ओपन लेसन सिक्स माय चाइल्डहुड पेज नंबर 68 लेसन सिक्स माय चाइल्डहुड दिस लेसन माय चाइल्डहुड डिस्क्राइब्स द बायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम आजाद दैट इज आवर प्रेसिडेंट पास्ट प्रेसिडेंट एंड द जीनियस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया दिस पोएम इज ऑटोबायोग्राफी सेल्फ रिटन बाय द अब्दुल कलाम ही हैज डिस्क्राइब्ड हिज फैमिली कंडीशन एंड द सम लिटिल बिट सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया द डिफरेंट कास्टिज्म एटसेट्रा हैज बीन नरेटेड हियर बाय द अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम दैट इज आवर पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द जीनियस एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया माई मेरा चाइल्डहुड मिस बचपन मेरा बचपन हाउ डिड ही स्पेंड हिज लाइफ हिज चाइल्डहुड पैरा फर्स्ट I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. Erstwhile means hota hai before, pahle, aaj se pahle. Erstwhile. So in this line, through these lines, Kalam is showing that he took birth in the Tamil Nadu state in the Rameswaram state, Rameswaram district of the Tamil Nadu state. And that Tamil Nadu was earlier called Madras state. My father Jainulabdin, means what was the name of the father of Kalam? Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Means his father of the Kalam was not a wealthy man. Dhanwan vyakti nahi the. Despite, means in spite of, iske bawajood. These disadvantages he possessed great innate wisdom, innate, I-N-N-A-T-E, innate means hota hai inborn. Wisdom means reasonable power, means without being wealthy and well educated, bina dhanwan huye aur bina bahut hi shikshit huye, jyada bina jyada padhe likhe, woh jo the bahut hi samajhdar aur suljhe huye vyakti the. एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट जेनरोसिटी में होता है काइंडनेस उदारता ऑफ स्पिरिट यानी ही वाज काइंड फ्रॉम हार्ट काइंड ऑफ हार्ट वह हृदय के बले दयालु और उदार व्यक्ति थे ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट हेल्पमेट मींस जीवन संगिनी साथी मदर यानी ही कलाम इज रिफरिंग टू हिज मदर इन माई मदर अशी अम्मा व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर अशी अम्मा फादर्स नेम अब्दुल्ला जैनुलाब्दीन एंड मदर्स नेम अशी अम्मा आई डू नॉट रिकॉल रिकॉल मीन्स टू मेमोराइज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे बट अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट इज सेइंग हियर इन हिज बायोग्राफी दैट दाउ ही कुड टेल दैट सम पीपल वेयर अफोर्डेड बाई हिज मदर फूड पर डे बट देयर वेयर व्हाट वॉज द नंबर हाउ मेनी पीपुल regular to it was uncountable Kalam was unable to count she fed every day but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together Kalam is saying that he could not tell the exact number of the outsiders who take meal daily at his home but he was sure Kalam was sure that The number of the outsiders to take meal at his home was more or greater than the number of the family members of the inside. And Kalam कह रहे हैं कि मुझे ये तो नहीं पता है कि एक दिन में कितने लोगों को मेरी मम्मी खाना खिलाती थी लेकिन हाँ मैं इतना श्योर हूँ कि बाहरी लोग हमारे यहाँ खाना खाया करते थे फिर आगे कह रहे हैं कि मुझे यह भी नहीं पता कि कितने लोग खाते थे लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना मैं श्योर हूँ नंबर में कि जितना मेरे फैमिली मेंबर टोटल थे उस मेरे अपने फैमिली मेंबर से अधिक खाने वाले थे हमारे यहाँ आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रेन मेनी चिल्ड्रेन कलाम कह रहे हैं कि ही वॉज और ही हैव
had many sisters and brothers, and Kalam was among one of them. A short boy with rather undistinguished looks. Distinguished means विशिष्ट, undistinguished means जो विशिष्ट ना हो, अलग ना हो, यानी जैसे सभी थे वैसे ही ये भी थे. Born too tall, लंबे जन्म हुआ था, यानी personality लंबी थी, and handsome parents, यानी इनके पापा लंबे और handsome थे, मम्मी पापा उन्हीं से ये लोग जन्मे हुए थे. We lived in our ancestral house, ancestral means पूर्वजों के बाप दादा के घर में ये रहते थे. Which was built in the middle of the 19th century, जो कि 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और 19वीं बीच में बनाया गया था, फिर भी यह जो था एक पक्का घर था, ईंट सीमेंट का बना हुआ था. मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद की गली में ईंट सीमेंट का बना हुआ 19वीं सेंचुरी के बीच का इनका घर था. माई ऑस्ट्रियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. ऑस्ट्रियर मीन्स होता है वेरी काइंड बट रिजिड, फॉलोअर ऑफ द रूल रेगुलेशन, बहुत दयालु, सॉफ्ट नेचर का होना, लेकिन रूल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला. तो कह रहे कि मेरे पापा बहुत ही दयालु थे, लेकिन बड़ी कड़ाई से किसी नियम का पालन करते थे. वो जो थे घर में वही चीजें, सी ही यूज टू पुट इन होम ऑनली दोज थिंग्स विच आर मोस्ट नेसेसरी, जो बहुत ही जरूरी चीजें होती थी, बस उन्हीं चीजों को इनके पापा अपने घर में रखते, और जो भोग विलास, आराम, ऐसो आराम क्या शौक की चीजें थी, उन चीजों को घर में वो बिल्कुल नहीं आने देते थे. However, all necessities were provided for, फिर भी, however means तो भी, yet फिर भी, the all necessities means जितनी मूलभूत जरूरतें थी, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, all these were being provided by the father to his children. कलाम कह रहे हैं कि बाकी शौक की चीजों के सिवा जो मूलभूत जरूरत की चीजें थी, वह सभी चीजें हम लोगों को अवेलेबल थी, हमारे माता पिता अवेलेबल करा रहे थे. टर्म्स ऑफ जैसे कि फूड, दवा, क्लोथ्स, कपड़े. इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से, मैं कह सकता हूँ, माइंड वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा चाइल्डहुड बचपन जो था बहुत बढ़िया बीता, बोथ मेटेरियली धन दौलत से संबंधी भी, रिलेटेड भी, और इमोशनली भावनाओं से भी, यानी प्यार दुलार भी मिला, सुख सुविधा भी मिली, खाने पीने, रहने उड़ने पहनने को मिला, सब कुछ मिला, और इस तरह से मेरा बचपन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बीत गया. भी पास्ट और कलाम पास्ट हिज चाइल्डहुड इन वेरी कम्फर्ट एंड प्लीजेंट वे, व्हाट एवर वाज नीडेड डिमांडेड बाय हिम वाज फुलफिल्ड बाय हिज पेरेंट्स, सो ही पास्ट हिज लाइफ चाइल्डहुड कम्फर्टेबली. पैरा थर्ड, द सेकंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, ब्रेक आउट होता है, ब्रेक आउट मीन्स टू गेट स्टार्ट, अचानक शुरू हो जाना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकेन, सेकंड फॉर्म है ब्रोक आउट. जो थर्ड सेकंड वर्ल्ड वार था वह 1939 में स्टार्ट हो गया, गेट सेट. व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, एट दैट टाइम कलाम वाज 8 इयर ओल्ड, फॉर रीजंस, बिकॉज, फॉर रीजंस मीन्स बिकॉज, क्योंकि आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन मार्केट. कह रहे हैं कि मैं बहुत छोटा था, और यह इससे प्रूफ होता है कि मार्केट में अचानक इमली के बीज की मांग बढ़ गई, और समझने में मैं समझता था कि रे साला हो क्या गया ये, अरे ये हुआ क्या, व्हाट हैपेंड दिस, दैट द डिमांड ऑफ द टैमरिंड सीड्स हैड इंक्रीज्ड सो फास्टली सो क्विकली इन द मार्केट. मार्केट में टैमरिंड सीड की मांग बढ़ गई, एक बैग डिमांड बढ़ गई, लोग इसे मांग ले, इतनी महंगी भी हो गई, आखिर वजह क्या है. I used to collect, used to वहाँ प्रयोग होता है जहाँ आदत सो करनी होती है, रेगुलर हैबिट पास्ट की, यानी मैं अक्सर कलेक्ट किया करता था. Used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosk Street, करें कि सीड कलेक्ट करता है इमली की बीज रोज, और ले जाकर Mosk Street में मस्जिद की गली में जो दुकान थी उस पर बेच दिया करता. A day's collection would fetch me, और एक दिन का कलेक्शन यानी बीज का इकट्ठा करना फेच मी इन्हें दिलाता था द प्रिंसली सम ऑफ वन अन्ना. प्रिंसली सम का मतलब होता है सफिशियंट, काम चलाऊं, मतलब अच्छा खासा, वन अन्ना, एक अन्ना मिल जाता था इनको. माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, इनके बड़े भाई, इनके साले थे, मतलब वाइफ के भाई, ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी, इन्हें बताया करते स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी. कह रहे हैं कि वार से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड समाचार जो थे इनके जो भाई, बड़े भाई के साले थे जलालुद्दीन,
वह इन्हें बताया करते थे, समाचार सुनाया करते थे, और वही समाचार बाद में ये न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया करते थे। दिनामणि इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। उस समय उनके टाइम में, कलाम के टाइम में, मद्रास में दिनामणि नाम का न्यूज़पेपर था, उसमें छपता था, ये पढ़ते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड मींस एकांत, एक कोने में बसने के कारण इनकी जो एरिया थी वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। अनअफेक्टेड मींस देयर इज नो कास्ट ऑफ द वार ऑन दिस एरिया। कलाम कह रहे कि हमारा एरिया गांव नगर इतने कोने में था कि वार का कोई दुष्प्रभाव, जो लड़ाई छिड़ी या जो भी महंगाई या सस्ती आई, उसका कोई भी दुष्प्रभाव, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव इनके ऊपर, इनके गांव वालों के ऊपर, या कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट इन पे नहीं पड़ा। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन, लेकिन शीघ्र ही इंडिया को प्रेशर कर दिया गया कि आप वर्ल्ड वार में भाग लीजिए, या तो इधर से या तो उधर से, बीच में शांति से बैठिए मत। द एलीड फोर्सेज, एलीड, एली मीन्स होता है सहयोगी, एलीड फोर्सेज मीन्स कोऑपरेटिव फोर्सेज। ये जो था ढेर सारे अलग अलग देशों का ग्रुप था, और वर्ल्ड वार में मिलकर के लड़ाई लड़ रही थी सेनाएं एक साथ सभी देशों की। तो ये कह रहे हैं कि उन फोर्स को में ज्वाइन करने को हमारे देश को, इंडिया को विवश किया गया, और हमारे इंडिया विवश होकर उसमें भाग ली। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, एंड सडनली व्हाट हैपेंड, इमरजेंसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। इंडिया में कह दिया गया कि वार छिड़ा है, सेना गई है युद्ध लड़ने, इमरजेंसी है, और जब इमरजेंसी लगता है तो कुछ चीजें, सुख सुविधाएं रोक दी जाती हैं पब्लिक की, जैसे न्यूज़पेपर चलना, लोकल गाड़ियां चलना, और भी चीजें, परिवहन वगैरह, इसे जरूरत की चीज एकदम रोक दी जाती है जो बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो। इमरजेंसी वगैरह में कुछ राइट्स वगैरह जो है छीन लिए जाते हैं नागरिक के। सो इमरजेंसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और उस इमरजेंसी में क्या नुकसान हुआ, पहला कि जो रामेश्वरम, जहाँ इनका जन्म स्थान था, गांव था कलाम का, उस वो जो रामेश्वरम वाला जो हॉल्ट, वह हॉल्ट था वहां पे ट्रेनें रुकना बंद कर दी, यानी अब ट्रेन वहां नहीं रुक रही थी हॉल्ट पे, सीधे स्टेशन टू स्टेशन जंक्शन रुक रही थी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। कह रहे हैं कि चूंकि हॉल्ट पे ट्रेन रुकती तो न्यूज़पेपर वाले न्यूज लाते, वहां उतारते, उतार करके लाके बेचते, लेकिन जब हॉल्ट पे ट्रेन रुकी नहीं रही है तो न्यूज़पेपर वाले कैसे उतारेंगे न्यूज़पेपर और लाएंगे देंगे। अब क्या होता था कि एक जंक्शन पे जाकर चढ़कर न्यूज़पेपर खरीद करके बड़े जंक्शन से ट्रेन में लाया जाता था, जो न्यूज़पेपर बेचता था वह लाता था, और ट्रेन में ला करके फिर चलती ट्रेन से रामेश्वरम हॉल्ट पर फेंक दिया जाता था न्यूज़पेपर, और फिर वो ट्रेन आगे जहां जाकर रुकती थी वहां से वो न्यूज़पेपर वाला उतर के पैदल रामेश्वरम स्टेशन पर आता, और उसके बाद उस न्यूज़पेपर को लेता एंड तब लेकर के जाता तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता। मीन्स ड्यू टू नॉन स्टॉप एट द हॉल्ट स्टेशन ऑफ द रामेश्वरम द फर्स्ट प्रॉब्लम अरोज एंड दैट वाज द सेलिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मिलना कठिन हो गया। That forced my cousin Samsuddin. Samsuddin was the cousin that was the chachera bhai of the Abdul Kalam and who was the vendor seller of the newspaper. तो वो अब Samsuddin विवश हो गया कि रामेश्वरम पे ट्रेन रुकेगी नहीं, अब न्यूज़पेपर वो लाएगा कैसे, बेचेगा कैसे, तो forced Samsuddin को विवश कर दिया, who distributed newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles. तब वो खोजने लगा कि अगर मैं ट्रेन से पेपर फेंकता भी हूँ तो कोई भी लेके भाग जाएगा, मैं क्या करूंगा, इसलिए कोई ऐसा रहे कि मैं रामेश्वरम स्टेशन पे पेपर चलती ट्रेन से फेंकूं और वो जो है उस बंडल को पहरेदारी करे, ले आए या घर ले आए, या कम से कम उसकी पहरेदारी करे ताकि मेरे बंडल सुरक्षित रहें, मैं पहुंचूं, ले लूं और ले करके आकर के फिर घर आऊं और बेचूं। And as if naturally, और एकदम प्राकृतिक रूप से, I filled the slot. Slot means blank place. Kalam is saying that this was the golden opportunity for Kalam. He got golden opportunity to catch the bundle of the newspaper. उसे पता चला, वह तैयार हो गया, और Samsuddin helped me earn my first wage. और इस तरह से पेपर पकड़ने के एवज में Samsuddin, जो इनके चचेरे भाई थे, इन्होंने कलाम को कुछ पैसे देते थे, यानी दैट वाज द फर्स्ट अर्निंग बाय कलाम थ्रू हिज ऑन एफर्ट।
कलाम कह रहे हैं कि वह मेरे जीवन का पहला कमाई था, गाढ़ी कमाई थी, बहुत परिश्रम करके आई थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग आधे शताब्दी बाद, 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहे हैं कि आधी सदी बीत गई, मेरा आधा उम्र बीत गया, फिर भी अभी भी मुझे गर्व है कि मैंने अपनी कमाई वैसे की थी, या मैं वैसे कमाई किया था या कमाया था। हाँ, पैरा 4, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि हर कोई, कलाम कह रहे हैं कि एवरी चाइल्ड, एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड कैरीज विथ हिम सम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड मीन्स वंशानुगत। कह रहे हैं कि हर बच्चे में वंशानुगत कुछ गुण होते हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, सोशल एंड वित्तीय एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। कह रहा है कि हर बच्चा अपने माता पिता के गुणों को लेकर जन्म लेता है और पलते बढ़ते जो अगल बगल का माहौल है उसमें भी वह कुछ सीखता है और उसी में ढल जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी। कलाम इज सेइंग दैट हिज फादर वाज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, सो कलाम हैड इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स आत्मनियंत्रण जो है अपने पापा से इन्होंने सीखा था। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और माँ से क्या सीखा था, तो अच्छाई, अच्छे कर्म करने में विश्वास, एंड कीप डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर्स। और अपने भाइयों बहनों से गहरी हमदर्दी, दूसरों के प्रति दया भाव सीखा था। आई हैड 3 close friends इन माई चाइल्डहुड। कह रहे हैं कि कलाम हैड 3 friends, वेरी फास्ट क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। रामानंदा शास्त्री 1, अरविंदन 2, एंड शिव प्रकाशन। रामानंदन शास्त्री, दैट इज द शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ऑल दीज 3 were द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, कलाम्स चाइल्डहुड। ऑल दीज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीन फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स में होता है कट्टरपंथी, यानी कलाम कह रहे हैं कि हालांकि वो तीनों इनके बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन तीनों ही ऑर्थोडॉक्स एकदम कट्टरपंथी रूढ़ीवादी हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, यानी वो लोग छुआछूत, मुसलमानों से नफरत या छोटी जात वालों से नफरत, ये सब चीजें इनमें थी। हिंदू धर्म में वो बड़े फॉर्मली बिलीव करते थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस, एज चिल्ड्रेन बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस मीन्स नो वन इन ऑल ऑफ 3, यानी 3 दोस्त थे प्लस एक कलाम थे, 4 लोग, इन चारों में एज अ बच्चा, एक बच्चे के रूप में, इनमें आपस में कोई भेद नहीं था, ये बस फ्रेंड जानते थे एक दूसरे को, लेकिन परिवार में कट्टरपंथता थी, एक दूसरे से छुआछूत भेदभाव था। एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मीन्स पालन पोषण। कह रहे कि धर्म के आधार पर और पालन पोषण के आधार पर हमने आपस में कभी किसी से मतभेद नहीं किया। इनफैक्ट वास्तव में रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। कह रहे कि वास्तव में व्हाट वाज द नेम ऑफ फादर ऑफ रामानंदा शास्त्री, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और रामानंदन शास्त्री के पापा रामेश्वरम टेम्पल में बहुत बड़े पुजारी के पोस्ट पे थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। एंड रामानंदन शास्त्री जो था अपने पापा की जगह पे उस पुजारी की गद्दी पे बैठ गया, आसीन हो गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो अरविंदन था दूसरा दोस्त शास्त्री के बाद, अरविंदन कलाम का दोस्त था, वह बिजनेस में, टूरिज्म बिजनेस में लग गया। एंड शिव प्रकाशन जो तीसरा फ्रेंड था वो कैटरिंग, सामान जो रेलवे का सामान आता जाता है उसमें कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। इन दिस वे ऑल बिकेम बिजी इन देयर लाइफ बट दे नेवर रियलाइज्ड लिटिल बिट डिफरेंस अमंग देम एज अ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एटसेट्रा। पैसेज मोर फर्दर, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी साल में एक बार, वॉज बींग सेलिब्रेटेड एंड दैट वॉज द मैरिज ऑफ द टाइम ऑफ द रामनवमी। सो आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स। सो कलाम्स फैमिली व्हाट डिड, यूज टू अरेंज बोर्ड्स, नाव का बंदोबस्त करती थी विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। कह रहे कि उस समय क्या होता था कि भगवान राम की मूर्ति को एक तरफ से नदी के दूसरी तरफ नाव पे रख के ले जाया जाता था
शादी करने के लिए, और ये कह रहे हैं कलाम कि इनकी फैमिली वही नाव का बंदोबस्त करती थी भगवान राम की मूर्ति और सीता की मूर्ति इधर से इस पार से उस पार लाने के लिए शादी करने के लिए। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज। कह रहे हैं कि प्रॉफिट दैट इज मोहम्मद साहब एंड राम के जो कहानियां थी वो हमारी बेड टाइम सोने के समय मम्मी दादी ये सब कहानियां हम लोग को सुनाया करती थी। एंड ग्रैंडमदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। ओके आई स्टॉप हियर बेटा।